स्नेल का साइज दिखाए, बाद में आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको ऐसे साइज दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, देखिए देख ना आप साइज। इन इंडिया नोबडी ईट दिस, आई ओनली ईट। ओके या या या। तो झोले की एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत है। ये पूरी सीरीज जैसे खाना बदोश झोले की सीरीज होने वाली है। कोशिश करते हैं कुछ भोकाली कुछ बकैती भरा दिखाने के लिए आप लोगों को। देखिए अच्छी रेटिंग दिखाई पड़ी मुझे, रैन बीन फाइन जैसे भी, फाइव जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करो इसका। चलिए ढूंढते हैं कुछ बहुत ही अलग अनोखा तरीके का दिख रहा है मेरे को। ये देख रहे हैं आप साइज, देखिए आप। मैं एक्चुअली मैंने आप लोगों को स्नेल्स दिखाने, बहुत बड़े स्नेल्स दिखाने हैं। देखिए पहले मैं आपको दिखा देता, देखिए सामने लॉबस्टर रखे हुए। मैं एक चीज दिखा रहा था आपको, देखिए मस्त है यहाँ पर पूरा, इन्होंने प्राइस ऊपर लगा रखा है। लेकिन अच्छी चीज देखिए आप, बाहर भी इस तरह से बैठ सकते हैं। कोशिश करो मैं इनको पूरा कुक करते हुए रिकॉर्ड कर पाऊंगा। भाई साहब साइज देखिए, भाई साहब बहुत ही बढ़िया। दी फ्रॉम वियतनाम नो? नो, फ्रॉम अलास्का। अलास्का, हाउ मच दे कॉस्ट? 2.6 मिलियन। या एंड हाउ मच केजी वुड बी? 3 1% too much. Up to you. I can make for you many food. Oh, is it? One. You can eat whole of it? No, really? भाई कह रहे हैं कि यार ये पूरा इसको अकेले खा जाए। I make for you 3 of them. This one? Oh, too much for me. I'll go for snail. Okay. Snail. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कुछ थोड़ा सा अलग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ झोला आपको इसमें। What's now? About 2 kilo. 2 kilo? Okay. I make for you 2 way cooking. Two way cooking. And can I record when you cook? No. Please. We cook in the kitchen. Okay, can I go? No. Sorry. देख रहे हैं आपके, मतलब हमारे सब्सक्राइबर इतने नहीं, तो जनता अलाउ नहीं करती हमें किचन के अंदर। Okay. Yeah, take it. Idea. Yeah. देखिए रसोई घर में हमें अलाउ नहीं किया गया है जाने के लिए, बट चलिए कोई नहीं, कोशिश करेंगे हम। देखो क्वीन स्नेल। 1.72. Okay. Yeah. Okay. I make for you 2 way cooking. 1 way with salad lotus. Okay. And 1 way salted with chili sauce. Both good? Good. Okay. Really good. Okay. पहले तो एक बार मुझे लग रहा है कि पहले एक बार थोड़ा सा जो डेकोर है हैप्पी स्नेल, हम डेकोरेशन देख के काफ़ी हम खुद है हैप्पी हो गए। दो तरीके की प्रिपरेशन बताई इन्होंने, एक ये है आपका चिली सॉस में थोड़ा सा। एक बार आप जैसे हम खुश हुए पड़े ना, एक तो एक बार मैं वो दिखाता हूँ साइज, देखिए आप इसका स्नेल का साइज दिखाए, बाद में आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको ऐसे साइज दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, देखिए देख ना आप साइज। गार्निशिंग बहुत ही सही कर रखी है, एक बंदे के हिसाब से डिसेंट है मुझे लगता है क्वांटिटी। सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये आपका केवल पहले स्नेल उठाते, देखिए ये रहा स्नेल, और थोड़ा ज़्यादा चूही होगा कंपेटिवली शायद तक नॉर्मल। इससे पहले मैंने जितने भी इतना ये सबसे शायद अभी तक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्नेल खाया, इससे पहले मैंने छोटे स्नेल जितने भी खाए वही खाए हैं। उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा चूही मुझे आता था ऑक्टोपस वाला, कोई मुझसे बहुत सवाल पूछता है ऑक्टोपस जिंदा ऑक्टोपस और मुर्दा ऑक्टोपस में कितना डिफरेंस होता है, तो जो चुईनेस का थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है आपका ऑक्टोपस में, वैसे थोड़ी सी चुईनेस। मतलब मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लग रही है ना वो आपका डेकोरेशन, देखिए इन्होंने थोड़े से ये आई नॉट श्योर कौन से फ्लावर्स हैं, ये धनिया की बड़ी बहन चाइनीज स्टाइल में बनाने की कोशिश, काफ़ी ज़्यादा बेल पेपर दिखी है, स्प्रिंग अनियंस हरी प्याज जो होती है वो दिखती हुई, ये चीज़ इस तरह का हमने सिंगापुर में काफी ज्यादा वीडियो बनाए जिसमें जैसे हम लोग वो नहीं खाते आपका चिली चिकन या चिली पनीर, वैसे कुछ प्रिपरेशन थोड़े अच्छे। और ये दूसरा तिल के दाने दिखते हुए, ये थोड़ा सा अलग सा इन्होंने बोला प्रिपरेशन है, दिखाते हैं उठाते हैं इसको। ये जो चीज़ की है ना इन्होंने पूरा एक प्रकार से जो सैलेड होता है ना कच्चा है भाई, ये मतलब ये समझ लीजिए वैसा है, ये पूरा ठंडा है, इन्होंने क्या किया कि माल निकाल के काट लिया है, ये समझ लीजिए वैसा जो जापानी सशमी जैसे मैंने खिलाई होंगी दिखाई होंगी आपको, सशमी वाली स्टाइल में ये और एक कोक स्टाइल में, दोनों का काफ़ी डिफरेंस अच्छा किया इन्होंने, थोड़ा अलग से दोनों चीज़ों को लाए। देखिए उन्होंने ये दे रखा है थोड़ा सॉस में, चाहे तो डुबा सकते हैं आप, बहुत लीजिए थोड़ा सा ये और डाले अच्छे से आपके। अब मुझे पूछेंगे स्नेल कैसा टेस्ट करता है, तो मैं आप समझ लो वैसा कि थोड़ी सी फिश, मतलब फिश स्मेल तो ऑब्वियसली फिश वाला जो टेक्सचर होता है वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चुई क्विड खाई हो अगर आपने ऑक्टोपस खाया हो सिमिलर वैसे उसी प्रजाति में, उसी प्रजाति का ये माल। दूसरा स्टाइल जो उन्होंने बताया मुझसे, उन्होंने ये चावल के पापड़ ऐसी चीज़ें दे रखी है, और भाई ने बोला कि इसमें माल रखिए, और फिर एक बार एक बाइट लेने की कोशिश करता हूँ, एक बाइट तो नहीं मैं नहीं जाएगा। ये जो चीज़ है आपकी इसमें तिल का टेक्सचर, तिल का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता हो, लेमन ग्रास का भी अच्छा प्रयोग करते हुए, ये मतलब थोड़ा सा लेमन ग्रास दिख रहा है, ये देखिए लेमन ग्रास भी इसमें एडिबल वाले फ्लावर, बीच में जो प्याज आ रही है ना ये बहुत बढ़िया लग रही है हमको, अच्छा मीठा स्वाद आ रहा है इसका प्याज का। ये एक्चुअली में ये जो प्रिपरेशन लगी ना हमको ज़्यादा अच्छी लगी, थोड़ा सा ऑब्वियसली अपनी थोड़ी सी आदत है थोड़ा गर्म चीज़ खाने की ज़्यादा देन ठंडा खाने की, तो ये उस ना ये प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर है, काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी निकली इस एक हैप्पी से स्नेल से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वान्टिटी निकली। खाने मुझे लगता है अच्छा खासा समय लग जाएगा, धीरे धीरे खाने की कोशिश करूँगा, काफ़ी समय लग जाएगा, तो
आखिरी में आपको दाम बताते हैं पूरा, देखिए ज़्यादा हमने कल वही ऑर्डर किया था, साथ में एक पेप्सी ऑर्डर करके, ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं, उसे में मतलब लगता है कि डिसेंटली फिलिंग है, तो ये खत्म करने की कोशिश करते हैं इसका। एक बार जो भी था आपको घोंगा कर लीजिए, शंख कर लीजिए, इसको मैं आपको सामने दिखाता हूँ भाई, देख रहे हैं आप, मतलब पंजे से एक बार कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं अपने, समझ आप मेरे हाथ के साइज़ से, भाई साहब मतलब मेरा सलाद ख़राब हो जाएगा, बट आप हाथ के साइज़ से समझ लो कि कितना बड़ा है, मतलब पूरा हमारा फेस ढक जाएगा उतना बड़ा साइज़ है इसका। चलिए ख़त्म करता हूँ, धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। अच्छी चीज़ लगी मेरे को, बहुत बहुत दिनों से तमन्ना थी हमारी सी फूड खाने की, तो फाइनली खाने बैठे हैं, ख़त्म करते हैं। उसके बाद आखिरी में विराम देते हैं, हम आपको दाम बताते हैं, इसका दाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें खुद दाम, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए शायद तक अपनो शॉप आने दीजिए दाम फाइनली, फिर आपको बताएंगे कितना हमें दाम पता चला। और साथ में पेप्सी देखिए ना, थोड़ी सी अलग सी यहाँ की पेप्सी भी दिखती हुई है, मैं यहाँ पर चश्मा पहना दिया भाई को पेप्सी, और माहौल दिखा दिया, मैंने शायद आपको माहौल ही दिखाया, देखिए सामने पूरा वो, उसी में हमने एक्वेरियम से ही ऑर्डर किया था अपने पहले, अगर वीडियो के पार्ट में देखा तो वो वाला एक्वेरियम वाला पार्ट हो गया, जनता थोड़ी बहुत हो गई अभी यहाँ पर, पीछे भी है और आगे पीछे भी है, हम तो बकबक बकबक कह रहे हैं, किसी को भाषा में नहीं समझ नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको ये कुछ अलग देखने को मिला होगा। राइस फ्लेक्स, नॉर्मल राइस फ्लेक्स है, एक बार जैसे अपने यहाँ पे होली दिवाली में आप खा रहे होते हो वैसे ही राइस फ्लेक्स, बढ़िया। चलिए खाना बताते हैं, और देखिए एक प्लेट का ये हाल हो चुका है आखिरी में, और दूसरे प्लेट का ये हाल जो हो चुका है, तो समझ हम कहना क्या चाहते हैं आपको कि ऑलमोस्ट आधे घंटे की जद्दोजहद तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो चबाने में, देखिए पेट फुल हो गया है बट वो चबाने में, मतलब जो स्नेल था उससे ज़्यादा चबाने में, जो इन्होंने साथ में वो घास फूस डाल रखे थे उसको चबाने में ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद झोले ने, मतलब उन्होंने पूरी प्लेट ऑलमोस्ट, अभी यार रस नहीं पी लूँगा उसका, बट ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है, और ये हरी पत्तियाँ थोड़ी सी बची हुई हैं तो, और बट डिफरेंस ये हुआ कि हमने शायद एक पेप्सी और मंगा ली, तो ये ध्यान था कि मतलब भाई ने मतलब भोग लगा दिया। और देखिए एक बार आपको ये भी दिखाई देते हैं आप सब फाइनली, इसका साइज़ भी, ओ भाई साहब देख रहे हैं आप, इसका साइज़ देख लीजिए आप एक बार कैमरे के हिसाब से, सही बकरती। तो चलिए अब हम इसकी रसीद मंगाएंगे, बिल मंगाएंगे, उसके बाद आपको दाम बताएंगे और फिर इस वीडियो को विराम देते हैं। देखिए इधर सामने जो हमने खाया वो, और उस खाने का जितना हमारा हर्जाना हो रहा है वो, तो लगभग 2 मिलियन यहाँ की करेंसी के हिसाब से, 2 मिलियन आप अगर भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 6,500 रुपये, 6,500 रुपये में 2 पैसे और आपका कहते हैं एक इतना बड़ा शंख। चलिए इस 6,500 के चुने को उम्मीद करते हैं कि थोड़े बहुत व्यूज़ आएंगे, थोड़ा उम्मीद करते हैं कुछ अलग से दिखाने की कोशिश करी हमने आपको, तो 6,500 रुपये का बिल हमारा, और दिखा मैं आपको पूरा दिखा भी देता हूँ, देखिए जो कीमत थी इसकी वो लगभग 1 मिलियन की 1 किलो के हिसाब से की कीमत थी, अगर आप मैं अपने दिखाई पड़ा, हाँ, और कहते हैं लगभग 1 किलो 700 ग्राम का इसका भार था, जैसा आपने शॉप में भी देखा होगा, और बस पेप्सी यहाँ पे कहते हैं आपकी 40 रुपये की एक पेप्सी यहाँ पे बैठे बैठे, और अब बस यही है। चलिए दो इस नोट के साथ अब इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली बार आप लोगों को, और नहीं सफर नाम है मेरे, तब तक खाइए आवारा और घूमिया आवारा, मौसम अच्छा हो रहा है, अभी वापस चलते हैं कुछ आराम करेंगे, उसके बाद फिर आपको आगे मिलते हैं एक खाना बदोश कई सारे वीडियोस लाने की कोशिश जो कर रहा है आपका वियतनाम की धरती से जोड़ा।